एबीपी सांसद देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। केंद्र दे ऑर्डिनेंस के खिलाफ कि आम आदमी पार्टी नू मिलेगा कांग्रेस का साथ, ये सवाल इसलिए अहम है कि क्योंकि एक पासे तो पंजाब दे विच कांग्रेसी लीडर भ्रष्टाचार के मसलों का सामना कर रहे हैं तो कांग्रेसी खुल के आम आदमी पार्टी के खिलाफ पड़ास भी कढ़ रहे हैं, तो इस दरम्यान ही कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नू अपनी राय भी पंजाब के कांग्रेसी लीडर दस आए हैं। हालांकि हाईकमान ने आखिरी फैसला लेना है, इसे लिए की यह सियासी डील हो सकती है सील, ये वड्डा सवाल है। जेकर हाँ तो की बनेंगे समीकरण, देखते हैं इस खास रिपोर्ट दे विच। केंद्रीय ऑर्डिनेंस ते बवाल, आम आदमी पार्टी नु समर्थन चाहिए हर हाल। केजरीवाल दी कांग्रेस नु भी गुहार, मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है। पंजाब कांग्रेस लीडरां दी खड़गे नाल मुलाकात, के ऑर्डिनेंस पे हमारे अध्यक्ष और राहुल जी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो देखिए मेरी राय थी वो बंद कमरे में थी। अपनी राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने और राहुल गांधी जी के सामने रख दी है। ये हमारा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुके हैं, हम लोग जो निर्णय करेंगे उसको हम लोग। जी ने समय मांगा है खड़गे जी और राहुल जी से, क्या मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो हमारा मत है वो हम हमारे इंटरनल पार्टी के फॉरम पे रख चुके हैं। मान सरकार ते पंजाब कांग्रेस नहीं सुखावे हालात, लोगों ने लुटिया पैसा, कल्ला कल्ले पैसे का हिसाब लूंगा मैं, सीधा खजाने च सीधा थोड़े कोले। विजिलेंस नू हर तरीके दे नाल साडे कांग्रेसी लीडरां दे खिलाफ हर रोज बरत रहे, फट फट के अंदर दे जा रहे हैं। इन्हां नू ये लगता कि इस तरीके दे नाल पार्टी मर जाएगी। कदे पार्टियां भगवंत मान दे इस तशद्दुद ते नहीं मर रहीआं। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ ਸੀਲ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। केजरीवाल ने अपने ट्वीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। आम आदमी पार्टी लिए समर्थन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा 31 मेंबर ने, पर हुण कई दिन बीत चुके ने, अजे तक अरविंद केजरीवाल नू समा नहीं मिलिया। अजिहा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी सूबियां दी अपनी लीडरशिप नाल सलाह मशवरा कर रही है। डेफिनेटली अ फॉर्मल रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम केजरीवाल जी, डिस्कशन ऑन ऑर्डिनेंस वी विल डिस्कस विद इन आवर पार्टी एंड वी विल टेक अ कॉल। कोई शक नहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार खिलाफ लामबंदी चाहती है, पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी नु समर्थन लई फैसला आसान नहीं रहने वाला, खास करके इत्थे पंजाब दा नजरिया अहम होएगा। नतीजा पंजाब कांग्रेस दे लीडरां ने दिल्ली दे विच हाईकमान नु मिल के अपने सुझा दे दिते ने। पंजाब दे विच भ्रष्टाचार दे मुद्दे नु लैके मान सरकार कांग्रेस दे लीडरां दे खिलाफ सख्त है। नतीजा कई लीडरां दी जेल यात्रा हो चुकी है, कईयां दी जा रही है ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਸਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸਿਉਂਤੇ ਲੱਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਰੀ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो देखिए मेरी राय थी वो बंद कमरे में थी कि विचार मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती। गुरु भाई राय, इस प्रकार की राय मैं आपके मीडिया फोरम पे नहीं दे सकता। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस पार्टी को कोई अपनी निजी राय होती नहीं है। मैंने अपनी राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने और राहुल गांधी जी के सामने रख दी है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि राय के मुताबिक, ना केवल मेरी राय के मुताबिक, जो यूनैनिमसली आवाज आई है उसके मुताबिक अगला फैसला हो।
इन्हां हालातां दे विच कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दोवां लई स्थिति गुंझलदार है। कांग्रेस जेकर नहीं समर्थन दिंदी तां हो सकदा है पंजाब दे विच कांग्रेसी लीडरां खिलाफ भ्रष्टाचार दे मुद्दे नूं लै के मान सरकार जांच होर तेज़ कर दे। दूजी गल, जेकर आम आदमी पार्टी नूं कांग्रेस समर्थन दे दिंदी है तां फिर पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी मान सरकार दा भ्रष्टाचार दे मुद्दे ते की स्टैंड रहेगा, खास करके उदों जदों कांग्रेसी लीडरां खिलाफ मान सरकार भ्रष्टाचार दे इल्जामां हेठ धड़ा धड़ कार्रवाई कर रही है। गल की अज कल तां पंजाब दे विच भ्रष्टाचार ते घमासान छिड़िया होया है अते चन्नी बनाम मान चल रहा है। अल्टीमेटम दिते जा रहे ने, चुनौतियां कबूलियां जा रही ने। 31 मई नूं सीएम मान साबका मुख्यमंत्री चन्नी दे मुद्दे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करन वाले ने। सीएम मान सरेआम कहिंदे ने कि किसी नूं बख्शन वाले नहीं ने। कांग्रेस दा इल्जाम है कि विजिलेंस नूं उन्हां खिलाफ वरत्या जा रहा है। अजिहे दे विच सवाल यह है कि की दोवां पार्टियां दे विच ऑर्डिनेंस दे समर्थन लई कोई सियासी डील हो सकती है। इत्थे भी नहीं भुलना चाहीदा कि सिर्फ ऑर्डिनेंस ही मुद्दा नहीं, क्योंकि हुण देश दीआं आम चोणां भी दूर नहीं ने। करीब एक साल बाद 2024 दे विच लोक सभा चोणां होण जा रहीआं ने। नतीजा बीजेपी दी मोदी सरकार खिलाफ देश भर दीआं विरोधी धिरां सिर जोड़ रहीआं ने। कांग्रेस भी चाहुंदी है कि तमाम विरोधी धिरां बीजेपी खिलाफ लामबंद होण। इन्हां विरोधी धिरां दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस भी ने। जेकर केंद्रीय ऑर्डिनेंस ते कांग्रेस आम आदमी पार्टी नूं समर्थन देण तों इनकार करदी है तां 2024 लई भी बीजेपी खिलाफ विरोधी धिरां दी लामबंदी नूं वड्डा झटका होवेगा। मूसेवाला दी मौत नूं एक साल हो गया पूरा, पर मापियां दा इल्जाम है कि अजे भी इंसाफ है अधूरा। किवें सिद्धू मूसेवाला नूं एक साल बाद उहनां दे फैंस ने कीता चेते, दसदे आं ब्रेक दे उस पार। मई 2022 ओ दिन जिस दिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दा सरेआम गोलियां मार के पिंड जवाहरके दे विच कतल कर दिता गया, ते उस तो बाद पंजाब दे विच फुटिया रोह दा ज्वालामुखी जो अजे तक पक रहा है। इल्जाम लग रहे ने कि एक साल तो पूरा हो गया पर इंसाफ अजे भी अधूरा है। मापियां ने इंसाफ दी मंग कीती है, सवाल खड़े भी कीते ने। तुहानू दसदे हां कि सिद्धू मूसेवाला दे पिंड मूसा तो लैके किवें पूरे पंजाब दे विच मूसेवाला दे फैंस ने उन्हां नूं कीता है याद ते पेंट कीती है श्रद्धांजलि। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੇ ਜਵਾਹਰਕੇ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ। राजस्थान तो आए इस नौजवान वालों मूसेवाला दी कागजां दी 60 फुट लंबी तस्वीर बनाई गई है। नवीन ने A4 साइज दे कागजां नाल इस तस्वीर नूं 9 दिनां दी सख्त मेहनत दे नाल बनाया। ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਐਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਟੈਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੇਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਗਾਣੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 1000 ਪੇਜ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ 30 ਪੈਨਸਲਾਂ, ਚਾਰਕੋਲ ਪੈਨਸਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ 20 ਫੁੱਟ ਆਪਣੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਪਈ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ।
लोगों का दिलदार गायक जिसनों इस जहान तो तुरै एक साल हो गया, पर इस एक साल दौरान सिद्धू मूसेवाला चोन वाले के कदम इस धरती से ना पे हो शायद ही कोई अजिहा दिन गया हो। वड्डी गिनती च लोग पहुंचते ने, सिद्धू के परिवार नाल मुलाकात करते ने। मूसेवाला लई इंसाफ की मंग अज भी एक साल बाद ज्यों दी त्यों बरकरार है। सरकारां दीआं माड़ियां नीतियां ने जी, जिन्हां करके प्रवास हो रहा है। आप मेन मेन बंदे ने जिहड़े साडे यूथ आइकनस, वह मतलब कि तुसीं देख रहे हो गैंगस्टरां दे भेट चढ़ रहे ने। यही मेन रीजन है, माँ बाप बच्चों इतने रह नहीं देना चाह रहे। एक साल कोई बदला एक रत्ती भोरा का बदला नहीं है, उल्टा नशा भी बढ़ गया जी। ठीक है, गैंगवारा बढ़ गई, थोड़े सामने सारा कुछ पब्लिक नू सब देख रहा है, पर कोई बोलन नू मूहरे नहीं आ। पंजाब ही नहीं बल्कि देश के वक् वक् सूबों तो मूसेवाला चाहण वाले उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करन लई आए सन। हर कोई जिथे मूसेवाला की याद नू ताज़ा कर रहा है, उथे ही इंसाफ च देरी ते सवाल खड़े कर रहा है। मैं गंगानगर तो आया जी, राजस्थान तो, ते परिवार एक साल तो जस्टिस वास्ते गलियां गलियां रुली जांदा जी, सरकारां जस्टिस दे नहीं रही जी। तो सरकार नूं यही अपील है भी छेती तो छेती जो कुछ हो सकता करो जी। मूसेवाला दी लास्ट राइड दी आखिरी निशानी थार गड्डी है, अज भी उस पूरे कतलकांड दी गवाही भर रही है। इस गड्डी नूं मूसेवाला दे परिवार ने हवेली च खड़ाया होया। मूसेवाला नाल जुड़ी एक होर याद एक गड्डी है जो मूसेवाला वालों इंजीनियरिंग दी पढ़ाई दे दौरान खुद बनाई गई सी। मूसेवाला दा कतल 29 मई 2022 नूं पिंड जवाहर के च होया सी। 6 शूटरां ने गोलियां मार के मूसेवाला दा कतल कर दिता सी। 4 शूटर जेल च ने, जदों कि 2 दा एनकाउंटर हो गया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई कतल च मास्टरमाइंड ने। पुलिस इस केस दे विच हुण तक 25 लोकां नूं गिरफ्तार कर चुकी है। मूसेवाला कतल केस दे विच कुल 34 मुलजम नामजद ने। एक साल बीत चुका है, पर मापियां दा इल्जाम है कि इंसाफ नहीं होया। जेकर तुसी भी विदेश जाण दे चाहवान तां तुहानूं रहना चाहीदा है सावधान। पूरी खबर ब्रेक दे उस पार। जेकर तुसी विदेश जाना चाहुंदे हो तो इस खबर नूं ध्यान नाल सुनना, खबरदार होने की लोड़ है। अजिहा असीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया ते इंडिया दे विच दो अजिहे मड्यूल काम कर रहे हैं जो नौजवानों नूं झांसे दे विच फसा के पहला इंडोनेशिया बुलाउंदे ने, फिर उत्थे अगवा करदे ने, फिर अगां अमरीका भेजन के नाँ ते इत्थे नौजवानों के परिवारों तो लखां रुपए वसूलदे ने। ते खुलासा उदों होया जदों इंडोनेशिया दे विच दो नौजवान कतल केस दे विच घिर गए ने। आखिर की है पूरा मामला, देखते इस खास रिपोर्ट दे विच। इंडोनेशिया दे विच पंजाबी लड़कियों नूं किडनैप किया जाता है। इहदे विच दो मड्यूल्स काम करते हैं, एक मड्यूल इंडियन मड्यूल है और एक मड्यूल जिहड़ा है वह इंडोनेशिया बेस्ड मड्यूल है। विदेश जाण दे चाहवान रहण सावधान। जदों इत्थों दे बेरोजगार नौजवान उत्थे इंडोनेशिया पहुँच जाते हैं, फिर उन्होंने एक कोठी दे विच उत्थे बंधक बनाया जाता है और उन्होंने ये कहते मजबूर किया जाता है कि US बेस्ड कैंप ते पहुँच गए हैं या असीं मैक्सीको पहुँच गए हैं। इंडियन बेस्ड मड्यूल उन्होंने परिवार मैंबरों को ले लेंदा है 35 से 40 लाख रुपया। इंडोनेशिया बुला कर दे किडनैप, मोटी रकम लेंदे ने गैंग। वो जाल विछाउंदे, भोले भाले नौजवानों नूं झांसे च फसाउंदे ते फिर शुरू हुंदा मोटी वसूली दा खेड। हुण तक किवें अते किन्ने पंजाबी नौजवान हो चुके ने जाल साजां दा शिकार, ये सब दसांगे सिलसिलेवार। पर पहला इन्हां नौजवानों की गल। इंडोनेशिया च कतल दे इल्जामां च घिरे दो नौजवानों दे केस च वड्डा खुलासा होया। होर पंजाबी नौजवानों दी तरह अटारी ते अजनाला दे नौजवान इंडोनेशिया च अगवा कीते गए, पर बचण दी कोशिश दौरान किडनैपर दे कतल दा इल्जाम इन्हां दे सिर आ गया ते हुण जो खुलासा होया ओह परेशान करन वाला है। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕਫਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
इंडिया ते इंडोनेशिया दे दो मॉड्यूल्स विदेश जाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों नू अपना निशाना बनाउंदे शिकार लभण ते उन्हां नू इंडोनेशिया बुलाउंदे नौजवानों नू अगवा करवाउंदे ते फिर इधर पंजाब च नौजवानों दे परिवारों नू सुनाई जांदी एक झूठी कहानी ते वसूले जांदे लखां रुपए। मोहाली पुलिस इंडोनेशिया ते इंडिया तो चलन वाले दो मॉड्यूल्स के खिलाफ जनवरी 2023 च बिलोंगी अते थाना सदर खरड़ दे विच इमीग्रेशन एक्सटॉर्शन दियां दो FIRs दर्ज कर चुकी है। केदे विच इंडोनेशिया दे विच पंजाबी लड़कियां नू किडनैप किया जाता है और एदे विच दो मॉड्यूल्स काम करते हैं, एक मॉड्यूल इंडियन मॉड्यूल है और एक मॉड्यूल जिहड़ा है इंडोनेशिया बेस्ड मॉड्यूल है जिहदे विच जिहड़े इत्थों दे भोले भाले लोकां नू वैस्टर्न वर्ल्ड विच जाण दा झांसा दित्ता जाता है और उन्होंने ये कह के वरगा लिया जाता है कि ताड़े कोलों पहला कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जिहड़े बाहर बैठे सैकेंड मॉड्यूल इंडोनेशिया बेस्ड मॉड्यूल ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने एक इंडोनेशिया की टिकट भेजते हैं। जदों इत्थों दे बेरोजगार नौजवान उत्थे इंडोनेशिया पहुँच जाते हैं फिर उन्होंने एक कोठी दे विच उत्थे बंदक बनाया जाता है जिथे 7 to 8 नौजवान जिहड़े उन्होंने किडनैप कर लेंदे ने और उन्होंने इनह्यूमन टॉर्चर करते हैं। उस तो बाद वो जिहड़े बंधक बनाए हुए नौजवान अपने पंजाब बैठे परिवारों को कॉल करते हैं और उन्होंने ये कहते मजबूर किया जाता है कि वो असी US बेस्ड कैंप पर पहुँच गए हैं या असी मैक्सीको पहुँच गए हैं और मोटी रकम इंडियन बेस्ड मॉड्यूल उन्होंने परिवार मैंबर को ले लैंदा है 35 to 40 lakh रुपया। पुलिस तफ्तीश से खुलासा होया कि मुकेरियां दा रहण वाला सनी नाम दा शख्स इंडोनेशिया च मॉड्यूल हैंडल करदा है। पुलिस ने इंडियन मॉड्यूल दे 7 मुलजम फड़ लए ने पर इस कार्रवाई दे बाद भी फरेब रुकिया नहीं है, इस तो बाद भी नौजवान शिकार होए ने। नंबर 1 है जिहड़ा इंडियन बेस्ड मॉड्यूल है वो कैश ही जिहड़े इन बच्चों के मापियां कोलों लैंदे ने, असीं उन्हां दे विचों टोटल जिहड़े 7 जिहड़े मॉड्यूल 1 दे जिहड़े मैंबर्स ने उन्होंने असीं गिरफ़्तार किया है और जिहड़ियां साडियां दोनों FIRs ने उन्हां विच असीं टोटल जिहड़ी असीं रिकवरी की गल करिए 5 crore तो वधेरे रिकवरी असीं कर चुके। रैकेट हैगा इहदे विच इन्हां कोल कोई भी इहो जिहे दस्तावेज नहीं प्रोसैस करदे कि बच्चा वैस्टर्न वर्ल्ड विच जावे। असीं जदों इन्हां ते लास्ट एफर्ट दित्ती सीगी 33 जिहड़े उत्थे किडनैप्ड बच्चे से असीं रेस्क्यू करवाए सीगे क्योंकि असीं इत्थों प्रैशर टैक्टिक्स यूज़ किया सीगा और ये जिहड़ा इन्हां दा मुर्ख सरगना हैगा है जिहदे विच हुण वी उहदा जिक्र होया है जिहड़ा इंडोनेशिया दे विच ये मर्डर का केस होया उहदा उत्थे जिक्र हैगा है और एक होर इन्हां दा जिहड़ा मुख सरगना संजय नाम दा हैगा है उहदे खिलाफ असीं LOC जारी कराई हुई है। ये अटारी दे पिंड मोदे दे अजय पाल सिंह दा परिवार है जिन्हां नूं पल पल फिकर सतांदा है कि पता नहीं उन्हां दे पुत नाल किहो जिहा सलूक हो रहा होवेगा। परिवार ने पंजाब अते केंद्र सरकार तों मदद दी गुहार लाई है। कोई बच्चों का कोई हाल नहीं निकल रहा, डिप्टी दे भी गए हैं अमृतसर उत्थे भी गलबात करके आए हैं, यो मंग है भी साढ़े बच्चे घर वापस आ जाए, जो भी मंग है जल्द से जल्द वापस आ जाए, संजोग नहीं कोई मिले अजे तो यो आखी जाते गल गां तुरी जान रही है। 26 मई नूं NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह तालीवाल ने विदेश सकत्तर डॉक्टर औसफ सईद नाल मुलाकात की सी। मंत्री तालीवाल ने विदेश सकत्तर नूं दस्या सी कि गुरमेत सिंह अते जयपाल सिंह नाम दे इह नौजवान विदेश दे विच धोखाधड़ी दा शिकार होए ने। इंडोनेशिया दे विच उन्हां नूं भारतीय मूल दे इक एजेंट ने बंधक बना लिया सी ते फिर फिरौती मंगी। मंत्री ने एक पत्र भी विदेश सकत्तर नूं सौंपिया, सकत्तर ने भी मदद दा भरोसा दवाया। मैं तो केंद्र सरकार नूं बेनती करदा कि एक स्पैशल सैल इत्थे जरूर इस काम वास्ते होना चाहिए जिहड़ा इमीजिएटली उत्थे अपनियां एम्बेसियां जां साडे हाई कमीशन जिहड़े उन्हां देशां दे विच है उन्हां नाल टेकअप करके उन्हां दी पैरवाई भी करे ते जिहड़ी फीडबैक है नाल दी नाल इत्थे बैठे पेरेंट्स नूं भी दवे। पंजाब सरकार ऑलरेडी इनिशिएटिव लै रही है, पूरी कोशिश कर रही है। पिछले दिनां च कुलदीप सिंह धालीवाल साहब जिहड़े साडे मंत्री हैं NRI मिनिस्टर वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब नूं मिल के आए सी, तो साड़ी पूरी कोशिश है कि वह जिहड़े साडे नौजवान फसे है वो चंगी तरह उहदी घर वापसी हो जाए, किस तरह का उन्हों का नुकसान ना हो। 20 मई नूं मामला सामने आया सी कि अटारी दे पिंड मोदे दे अजय पाल सिंह ते अजनाला दे पिंड गगो माहल दा गुरमेत सिंह इंडोनेशिया च कतल केस दा सामना कर रहा है, पर ABP सांझा ने तक पड़ताल की ता पता लग गया कि इमीग्रेशन एक्सटॉर्शन रैकेट है।
जो नौजवानों के विदेश जाने के सुपने का सहारा लेके हुण तक लखां वसूल चुके है। हुण सवाल यह कि आखिर अजिहे ठगां ते नकेल कसण लई सख्त नेम क्यों नहीं ने कि वह विदेश जाने की चाह जिस तरह पहला भी कई नौजवानों नूं जालसाज अपना शिकार बना चुके ने। कईआं दे सुनहरे भविख दे सुपने खौफनाक हनेरे च डुब चुके ने। अजिहे च लोड़ नौजवानों नूं भी है कि वह विदेश की चकाचौंध के ख्याल च हकीकत नूं नज़रअंदाज ना करन, ठगां तों खबरदार रहन। पहलवानों के अंदर रोह है बरकरार ते उधर संयुक्त किसान मोर्चे ने भी किया है समर्थन का ऐलान। पूरी खबर ब्रेक के उस पर। रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान रहे ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान डटे हुए ने। हालांकि जंतर मंतर तो उन्होंने हिरासत के वेच भी लिया गया सी क्योंकि वह संसद का घिराओ करने की कोशिश कर रहे सन। इस मसले तो बाद रोह होर वध गया। किसान भी पहलवाना की हिमायत विच डटे हुए ने। जींद दे विच तां टोल प्लाजा ही फ्री करवा दिता गया सी। इस तो इलावा होर की अगली रणनीति देखते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे वालों भी पहलवाना की हमायत च मीटिंगा दा दौर जारी है। दरअसल 28 मई नवे संसद भवन सामने महापंचायत करन जा रहे पहलवाना ते दिल्ली पुलिस विचाले झड़प हो गई सी। इस दौरान पुलिस ने पहलवाना नूं हिरासत च लै लिया। जंतर मंत्र से लगाए पहलवाना के टेंट तक उखाड़ दिए गए। देर रात पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ते साक्षी मलिक विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि बाद विच कुछ महिला पहलवानों नूं छड़ दिता गया। इस घटना तो बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंत्र से सुरक्षा वधा दी है। जंतर मंत्र से पहलवानों नूं धरना लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन ज़बरदस्ती उठा के आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो वो तो सब फोटोज़ वीडियोस में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कॉन्स्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहलवाना के नाल हुई धक्काशाही की निखेधी की है। श्रोमणी कमेटी के वफद ने जंतर मंत्र से इन पहलवाना वालों इंसाफ लिए लाए धरने में समर्थन देने के लिए शामिल होना सी। श्रोमणी कमेटी ने अपने हकों लिए लड़ाई लड़ रही इन महिला पहलवानों के नाल डट के खड़े रहने का दावा किया। साबका पहलवान योगेश्वर दत्त ने 28 मई नूं पहलवानां दे नाल हुई धक्केशाही दी निखेधी कीती है ते इल्जाम लगाए ने कि उन्हां दे मोढे ते बंदूक रख के चलाई जा रही है। जानबुझ के पहलवानां नूं संसद वल भेज के राजनीति कीती गई है। देखिए खिलाड़ियों गलत तरीके से यूज किया गया है, उनको मिसयूज किया गया है, उनके कंधे पे बंदूक रख के ये चलाई गई है। 37 दिन तो ब्रिज भूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों का धरना जारी रहेगा ज खत्म हो जाएगा ये तो स्पष्ट नहीं है, पर किसानों ने पहलवानों नूं जोरदार समर्थन दिता है। जींद च किसानों ने टोल फ्री करवाई। दिल्ली पुलिस वालों पहलवानों खिलाफ दर्ज FIR दर्ज करने का विरोध किया जा रहा। 5 महीने पहला भी जो पहलवानों वालों ब्रिज भूषण के खिलाफ धरना दिता गया सी तो केंद्रीय खेड मंत्री वालों भरोसा मिलने तो बाद पहलवानों ने धरना खत्म कर दिता सी, पर इस मामले कोई कार्रवाई ना होने ते पहलवानों ने मुड़ संघर्ष शुरू कर दिता। पर इस तो बाद देखना होगा कि पहलवाना खा पंचायतों ते किसानों का अगला रुख की होगा। पंजाब मेल दे विच अज दे लई इन्ने, मैनूं दिओ इजाजत। परदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो ABP सांझा।